दोस्तों, तो फिर पब्लिक डिमांड पे आपको फिर लेकर आया हूँ मैं पुरानी दिल्ली की गलियों में। आज मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मन कर रहा था कि कोई बाहर जाऊँ और अच्छा स्वादिष्ट खाना खाऊँ। तो और सबसे पहला नाम, खासकर जब पुरानी दिल्ली की बात की जाए, तो आता है दिमाग में जामा मस्जिद का। और एक सिर्फ खाने की नहीं, यहाँ पर एक घूमने का, यहाँ की गलियों का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए आपको दिखाते हैं, चलते हैं फूड वॉक पे और देखते हैं कि जामा मस्जिद में हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या मनोरंजन कर सकते हैं। आइए। दोस्तों, सबसे पहला कबाब खाएंगे हम, जो कि है कुरेशी कबाब कॉर्नर। ये मेरा फेवरेट है। और सबसे पहले की जब अगर जामा मस्जिद में घुसे तो सबसे पहली दुकान ही पड़ती है, तो यहाँ का खाना डेफिनेटली बड़ा ट्राई करना है। नमस्कार मेरे दोस्त। यहाँ पर एक और बात है कि सिर्फ कबाब की ही बात नहीं है, यहाँ पर ये गुड्डू भाई जो है, इनसे हमारा प्रेम ही बहुत पुराना है। और एक जो मैं कहता हूँ ना कि जामा मस्जिद बार बार आने का मन क्यों करता है, वो इन्हीं लोगों की वजह से करता है, क्योंकि यहाँ आओ तो खाना तो होता ही है, साथ के साथ प्रेम मोहब्बत ही मिलती है। कैसे हो भाईजान? आज की वॉक हमने आपके लिए, आपको मिलने के लिए ही करी हमने। एक प्लेट कबाब। तो ये है दोस्तों लजीज कबाब, कुरेशी कबाब कॉर्नर के। यहाँ पर गुड्डू भाई, उनके नाम से दुकान मशहूर है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट कबाब है, ये सीख कबाब बटर के झोल में होते ना, मज़ेदार। वाह, बेहतरीन, मज़ा आ गया। आप कभी भी जामा मस्जिद में फूड वॉक पर लग लें, यहाँ पे खाने से माहौल ही एक अलग बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, सब कबाब का वेट कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इतने लज्जत हैं, एकदम सॉफ्ट, और साथ में ही उनका बटर होता है। आप बिना बटर के भी चाहें तो खा सकते हैं, और लेकिन बटर के साथ, मेरे को तो बटर के साथ मज़ा आता है क्योंकि और सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, एक टिप जो मेरे यहाँ पर जामा मस्जिद में खाना खाने के लिए यही है कि आप आते ही पहले कबाब खाएं, तो गली में नहीं घुसे, क्योंकि गली में एक बार चले जाएंगे तो ये सारा आइटम मिस हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये पीछे अलग अलग तरीके के कबाब्स हैं और अनमोल चिकन। तो ये सारा जो आइटम्स हैं जो इसी स्ट्रीट में है। तो ये है दोस्तों वो गली जो कि जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से मटिया महल की तरफ जाती है। यही है वो मेन स्ट्रीट जहाँ पर आपको जामा मस्जिद में आए तो हर तरीके का खाना आपको मिलेगा। तो एक एक करके आपको दिखाएंगे कहाँ पर आप क्या क्या खा सकते हैं। तो ये भी एक और जो जंक्शन है जहाँ पर आपको मिलेगा अल जवाहर रेस्टोरेंट एक तरफ, और उसी गली से है फेमस करीम होटल। दोनों के बारे में बहुत बातें बताई गई हैं, बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे आइटम यहाँ के, नहारी कोरमा सब यहाँ का फेमस है। और यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है जो कश्मीरी रेस्टोरेंट बोलते हैं, ये भी एक जहाँ मैं अक्सर आता हूँ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कश्मीरी फूड मिलता है आपको, रिश्ता गुश्ताबा और टोमेटो पनीर, और बहुत बढ़िया आइटम मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आएँ तो कश्मीरी खाना पे खा सकते हैं, अल जवाहर पे और करीम पे, ये दोनों ऑप्शंस हैं। और ये थोड़ा लेट तक भी खुलते हैं, तो आप लेट में भी आएँ तो आप अल जवाहर तक पे खा सकते हैं। आइए आगे चलें। तो ये है दोस्तों रहमतुल्ला होटल। यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि रात को यहाँ पर लोग जो कि भूखे होते हैं, वो उनके लिए लोग पहले से खाना खरीद के गए होते हैं, और रेस्टोरेंट वाले भी उनको खाना खिलाते हैं। तो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता जैसे कहते हैं, और यहाँ पर होटलों में यही प्रथा चलती है। दोस्तों, इसीलिए मेरे को बहुत खुशी मिलती है जामा मस्जिद में आके, क्योंकि यहाँ मेरे को वो जगहें हैं जहाँ पे मैं बड़े सालों से खाता आ रहा हूँ, एक प्रेम बना हुआ है,
और ऐसा ही इस जगह के साथ है, ये है हाजी मोहम्मद हुसैन फ्राइड चिकन। ये पूरे शाहजहानाबाद में शुरुआत इन्होंने ही करी है और ये आज भी देखिए क्या बेहतरीन, माशाल्लाह क्या बेहतरीन फ्राइड चिकन मिलता है यहाँ पर। नमस्कार। ये हमारे दोस्त हाजी मोहम्मद हुसैन, यही है मास्टर जो कि यहाँ पर कितने सालों से पटना पर्चा चला रहे हैं। ये फ्राइड चिकन इन्होंने ही शुरुआत करी है, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया फैमिली है इनका, बहुत प्रेम से खिलाते हैं यहाँ पर और यही प्रेम है कि यहाँ पर हमेशा लाइन लगी होती है। इनका खुद का प्यार बहुत अच्छा है खिलाने का। दोस्तों आज मैं आपको दिखा तो काफ़ी जगह रहा हूँ जो जामा मस्जिद में अलग अलग जगह हैं खाने की, लेकिन मैं खास उन्हीं जगह पर रहा हूँ जो मेरी अपनी फेवरेट है, क्योंकि आज मेरे को बहुत भूख लगी है और मैं बड़े दिमाग से आया हूँ कि सिर्फ अपनी फेवरेट जगहों पे खाऊँगा। तो ये है हाजी मोहम्मद हुसैन का फ्राइड चिकन, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। देखिए ये जो इनकी ये येलो मिर्ची की चटनी जो होती है बहुत ही बढ़िया, वाह वाह। और ये फ्राइड चिकन क्रिस्पी, जहाँ मस्जिद के एरिया में ये आइटम क्रिस्पीनेस में केएफसी को भी बीट करता है या कोई भी मॉडर्न फ्राइड चिकन की कंपनी। जो टेस्ट इसके अंदर है, क्योंकि इंडियन मसाले हैं, बहुत बच्चा मैरिनेशन होता है, बहुत सालों से बनाते हैं तो एक प्रिसाइशन आ जाती है कि हर आइटम हर उनका पीस एकदम वैसा ही टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। कोई भी बंदा जो जामा मस्जिद में रेगुलरली आता हो डेफिनेटली असलम के पास जरूर आता होगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे टेस्ट A1 है, मतलब किसी एक डिश के अंदर इतना ज़्यादा जायका डाल सकते हैं ये लोग, चटपटा स्पाइसी बटरी सब कुछ होता है। यहाँ पर ये देखिए डिश जिसको ये बोलते हैं रोस्टेड चिकन, बटर में होता है इसलिए लोग उसको बटर चिकन भी बोलते हैं। और हरा हुआ था, ये 4 फ्लोर का रेस्टोरेंट है और बेहतरीन खाना है यहाँ पर, आइए यहाँ पे खाएंगे। दोस्तों ये है असलम का बटर चिकन, बेहतरीन डिश है ये। अगर आपको भूख लग रही है जैसे कि आज मेरे को लग रही है, तो इससे बढ़िया कोई डिश ही नहीं है। इसके अंदर बटर, वाह देखिए एकदम डूबा हुआ, मज़ेदार। तो रुमाली रोटी लीजिए, दोनों हाथों से चिकन को पकड़िए और ये रहा ये पूरा बाइट, फैंटास्टिक, वाह वाह। जो बटर होता है और साथ में क्रीमी फ्लेवर, ओवर डन चिकन है, कुछ 4 ग्रेड फ्लेवर मिलके सबका मिलके जो टेस्ट आता है वो बेहतरीन, इसीलिए यहाँ पे लाइन लगती है। ये देखिए ये है जामा मस्जिद की गलियों में मज़ा, अरे गली गली में छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर ये बेहतरीन कबाब बन रहे होते हैं, और साथ ही के साथ यहाँ पर आपको बेकरी भी मिलेगी जहाँ पर आपको रस बिस्किट, ये देखिए फ्रेश गर्मा गर्म रस, एक रस मिलेगा भैया खाने के लिए, एक खिलाओ यार। ये देखिए ये चलते फिरते गर्मा गर्म रस, वाह। यहाँ पर कहीं पर भी हैं बहुत सारी अलग अलग बेकरीज हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्प गर्मा गर्म रस, यहाँ पर रात के 12 बजे बन रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। दोस्तों बिरयानी की खोज में आ गया हूँ मैं, गलियों में ढूंढता हुआ इस जगह पे आने के लिए, एक्चुअली आपको पूछ के ही आना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गलियों में है। ये है मोहम्मद तौफीक दिलपसंद बिरयानी पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनाते हैं, देखते हैं बची भी है कि नहीं बची। भाई जान बिरयानी बची है, वाह 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 वाह। देखिए ये हमारी किस्मत है, 12 बज रहे हैं और यहाँ पर बिरयानी अवेलेबल है, अक्सर रात तक रहती है अवेलेबल, और ये
बहुत ही लेजेंडरी जगह है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना खाने के लिए वहीं रुक रहे हैं जो जगह एकदम फेवरेट हो, और ये तौफीक की बिरयानी बिल्कुल एकदम नंबर एक। भैया एक प्लेट खिलाइएगा। तो दोस्तों ये है बिरयानी तौफीक की। जैसे मैंने बताया यहाँ पर अगर आप जब इतने सारे आइटम खा सकते हैं, उसके बाद एक आइटम जिससे कि पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है वो है बिरयानी। ये अचारी बिरयानी स्टाइल की होती है, देखिए साथ में अचार भी देते हैं और ये मीट के पीसेस, तो खाया जाए। वाह फ्लेवरफुल राइस, वाह बहुत ही गर्मा गर्म है। वाह वाह मीट एकदम मेल्ट इन द माउथ, बहुत ही बढ़िया देखिए। और चावल एकदम खिला हुआ। बिरयानी खाने का अगर दिल्ली में कहीं मज़ा आया तो ज़रूर यहीं पे ही है। ये गलियों में ज़रूर है, ये आपको मेन रोड पे नहीं है। यहाँ आने के लिए भी चार लोगों से पूछते हुए आना पड़ता है कि तौफीक भाई की बिरयानी की दुकान कहाँ पर है, लेकिन यहाँ आने के बाद मज़ा ही दुगना होता है उसका। बहुत बढ़िया फैंटास्टिक। ये देखिए नवाब कुरैशी जी का स्पेशल आइटम है, इसका नाम क्या है नवाब भाई? प्यार मोहब्बत मज़ा वाटरमेलन शेक। प्यार मोहब्बत मज़ा। तो ये देखिए ये है दूध, दूध के अंदर रुआफ़ज़ा अमूल का मिल्क, साथ में है वाटरमेलन, बेहतरीन आइटम है। अभी लीजिए। ये ठंडक अंदर तक आती है सीधा, तो इतना ठंडा आइटम है, इतना मीठा मज़ेदार बेहतरीन। तभी लड़कियां मेरे से चांदनी चौक में पूछ रही होती है कि नवाब कुरैशी कहाँ पर है। बाबा ऐसा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों यही तो मज़ा है जामा मस्जिद का कि यहाँ पर हर तरीके का आइटम मिलता है। कितना मज़ा आया हमें कबाब खाने में, फ्राइड चिकन खाने में और बिरयानी खाने में। लेकिन ये अब आखिरी में हम आए हैं मिठाई की दुकान पे, ये है शाह कूल पॉइंट, 1980 से है ये। और ये देखिए क्या क्या, क्या बेहतरीन आइटम है भैया, क्या क्या आइटम है ये बताओगे? हमारे पास शाही टुकड़ा है, रबड़ी है, फिरनी है, खीर है, आइसक्रीम है, केसर मिल्क, बादाम मिल्क, कुल्फी फलूदा, रबड़ी फलूदा, ये सब आइटम उन्होंने बताए। लेकिन बेहतरीन सबसे बेहतरीन आइटम यहाँ का है शाही टुकड़ा, जो कि यहाँ का स्पेशल है। और साथ में एक और आपको बताऊंगा बात कि इसका मज़ा आता है साथ में ठंडी ठंडी होममेड मैंगो आइसक्रीम के साथ। तो एक वैसे ही बनाइए भैया हमारे लिए। वाह ओहो ये देखिए गर्मा गर्म शाही टुकड़ा, आपके ज़रूर मुंह में पानी आ गया होगा जैसे मेरे आ गया है। और ये देखिए बेहतरीन, और साथ में ठंडा ठंडा मैंगो आइसक्रीम। वाह अमेजिंग, वाह वाह तृप्ति हो जाती है ये, क्योंकि इतना सॉफ्ट है, मिठास एकदम परफेक्ट, और मैंगो आइसक्रीम का बात ही अलग। दोस्तों आज जब मैं आया था जामा मस्जिद में तो मैं बहुत भूखा था, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, और इसलिए मैं जामा मस्जिद आया कि अपनी भूख को मिटा सकूं। और ये देखिए जामा मस्जिद का कमाल, क्या क्या आइटम खाए यहाँ पर, मज़ा आ गया, एकदम टमी हो गई है फुल और मन हो गया है एकदम तंदुरुस्त। और ये जो आज मैंने आपको आइटम दिखाए हैं ये जामा मस्जिद के वो चुने हुए आइटम्स हैं जो आपको खाने चाहिए, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं, ये पर मेरे थे फेवरेट। और अगले वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगा, मैं और जगहें, कुछ कुछ मेरी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और दोस्तों ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हिडन जेम्स हैं और ये जो हमारे यहाँ की बेस्ट आइटम्स हैं ये ज़रूर अपने दोस्तों तक और शेयर करें। तो थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।